गैजर, आज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है आज मेरी शादी है और मैं खुद की शादी के लिए लेट हो चुका हूँ अभी तक तो शादी स्टार्ट भी हो चुकी होगी मुझे जल्दी से पहुंच जाना चाहिए और कह फाइनली मैं पहुंच गया मैं अपनी शादी के लिए यहाँ पर आधा घंटा लेट हो चुका हूँ पर कोई बात नहीं मेरे बिना मेरी शादी थोड़ी ना होगी तो कैसर अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी शादी पर आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ क्योंकि का आज मेरी शादी है मेरी फैकी में लेट कैसे हो गए अरे सिंह वो मैं थोड़ा सा सो गया था पर कोई बात नहीं अभी मैं आ चुका हूँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ बहुत ही ज्यादा लेट हो गए मुझे लगा तुम नहीं आने वाले मैं तो इस बुढ़ाऊ से शादी करने थी। क्या इस बुराओं से अरे नहीं नहीं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हमारी शादी कराऊ कल बच्चे तुमने बहुत लेट करा दिया मैं एक्स्ट्रा फीस चार्ज करूंगा क्या काहे की एक्स्ट्रा फीस अरे जल्दी शादी करो निकलो ऐसे ओके अभी कराता हूँ आज से तुम दोनों की शादी कंफर्म हुई चलो मैं जा रहा हूँ अरे रुको रुको ये क्या बात हुई बच्चे फीस दो वरना नहीं कराऊंगा शादी अच्छा ठीक है ठीक है दे दूंगा तो बेटा फ्रैंकलिन क्या तुम पिंकी के साथ शादी करना चाहते हो मैं करना चाहता हूँ बेटी पिंकी क्या तुम फ्रैंक इनके साथ शादी करना चाहती हो बेटी मना कर दो मना कर दो अरे क्या बोलो मुझे तो समझ नहीं रहा अरे हाँ बोलो हाँ तुम्हारी शादी खत्म हुई आज से तुम दोनों पति पत्नी चलो मैं जा रहा हूँ मेरे पैसे भिजवा देना बाय बायरे भैया आपकी तो शादी हो गयी अरे फैंकी में शादी हो गयी चंद आखिरकार मेरी शादी यहाँ पर हो चुकी है बल्ले बल्ले नाचो नाचो आयरन मैन भैया सबके सब नाचो फैंकी भैया की शादी हो गयी ओ बल बल्ले शाबा शावा पियो पियो कहां भैया की शादी हो गयी बल्ले बल्ले शाबा शाहवा पियो पियो कहा ओ, मेरी शादी हो हाँ गई हरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो हाँ बोला क्या हो गया हरे जरा कोने में आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हाँ बताओ क्या हो गया हरे फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ क्या गिफ्ट कहाँ पर है और मुझे कोने में क्यों बुलाया फ्रैंकलिन इस गिफ्ट को देखने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा शौक में जाने वाले हो इसलिए कोने में बुलाए आ जाओ मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूँ अरे ये आयरन मैन लेकर कहा जा रहा है मुझे तो समझने लगा क्या सरप्राइज आयरन मैन ये देखो फ्रैंकलिन, तुम्हारा गिफ़्ट क्या ये है? फ्रैंकलिन तुम्हारी शादी का सरप्राइज वन हंड्रेड मिलियन डॉलर क्या? 100 मिलियन डॉलर्स मेरे लिए अरे आरन सच्चा दोस्त निकला मैंने सोचा तू तो बस ऐसे ही है पर ये तो बहुत ही सारा पैसा है मेरे तो मजे हो गए अरे फ्रैंकलिन रुक जाओ अभी ये पैसा तुम्हारा हुआ नहीं है अरे क्या मतलब मेरा नहीं हुआ ये तो मेरा गिफ्ट है ना फ्रैंकलिन मैंने सोचा तो नहीं था मैं ये करूँगा पर मुझे करना पड़ेगा मैं आज तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें देने वाला हूँ एक चैलेंज इस चैलेंज में तुम्हें ये 100 मिलियन डॉलर्स सिर्फ 15 मिनट में खर्च करने पड़ेंगे अगर तुमने ये 100 मिलियन डॉलर्स 15 मिनट में खर्च कर दिए तो ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा और उसके ऊपर से मैं तुम्हें वन मिलियन और दूंगा पर अगर तुम ये सारा का सारा पैसा फिफ्टीन मिनट में खर्च नहीं कर पाए तो तो मेरे साथ क्या होने वाला है अगर तुम नहीं कर पाए तो मेरे को पकड़ कर ले जाऊंगा को अरे ले जाओ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है क्या अच्छा ठीक है अगर तुम नहीं कर पाए तो जिस लड़की से तुमने शादी करी है मैं उसको पकड़ कर ले जाऊंगा अरे नहीं 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 ये मत करना मेरी तो अभी अभी शादी हुई है ऐसा तुम नहीं कर सकते मैं ऐसा नहीं करूँगा अगर तुम फिफ्टीन मिनट्स में ये सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हो तो अरे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है अरे फ्रैंकलिन क्या हो क्या हो गया सोच लो फ्रैंकलिन तुम्हें क्या करना है आ, क्या करूं क्या करूँ ठीक है मैंने सोच लिया मैं 15 मिनट्स में ये 100 मिलियन डॉलर्स खर्च करने वाला हूँ रहे मैं क्या बोल हो? हाँ और पिंकी, मैन ने मुझे ये चैलेंज दिया है 100 मिलियन डॉलर स्पेंड करने का वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर अगर मैंने ये कर दिया तो ये सारा का सारा पैसा मेरा होगा और ऊपर से मुझे 100 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे मतलब टोटल 200 मिलियन डॉलर तो फैकी में बहुत ही मजा आएगा चलो चलो चैलेंज तो मैं ले लूंगा पर मैं शुरू कहाँ से करूँ मुझे समझ समझना क्या मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर घर मुझे समझ लेना अरे फ्रैंकलिन तुम्हें तो जो करना है जल्दी करो तुम्हारा टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्या टाइमर स्टार्ट हो गया अरे चलो 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 जल्दी चलो, चलो, चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए मेरे पास टाइम बहुत कम है अरे पर शादी का क्या अरे शादी वादी तो होती रहेगी शादी बाद में कर लेंगे पर अभी हमें मौका मिला है टू हंड्रेड मिलियन डॉलर कमाने का तो गाइजर फटाफट से चलते हैं ये सारा का सारा पैसा उड़ा देते हैं तो गाइजर हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है पर टाइम बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से ऑक्शन में वैसे तो मैं गाड़िया जाकर शोरूम से भी खरीद सकता था पर शोरूम में जाकर हमें रेयर कार्स नहीं मिलेगी महंगी महंगी गाड़ियाँ मिलेगी पर ऐसी गाड़िया नहीं मिलेगी जो की दुनिया में सिर्फ एक है वो हमें मिलेगी इस ऑक्शन में लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबका स्वागत है इस खतरनाक से ऑक्शन में आज के ऑक्शन में हमारे पास कुछ खतरनाक खतरनाक गाड़ी आई है जैसे कि ये वैगन वो भी पिंक कलर की ऐसी दुनिया में सिर्फ पांच है उसके बाद दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुगाटी ऐसी दुनिया में सिर्फ दो है एक यहाँ पर और एक समुद्र के दस हजार फीट अंदर क्यूँकी वो गाड़ी डूब गई थी उसके बाद फाइनल कार जो की दुनिया में सिर्फ एक है वो है ये मिनी था थार तो बहुत दुनिया में होगी पर ये मिनी दुनिया में सिर्फ एक है तो आओ यार फटाफट फड़ से ऑक्शन का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस मर्सिडीज़ जी वैगन से। इसकी इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वन मिलियन डॉलर्स। कौन खरीदना चाहेगा इसको टू मिलियन में बताइए बताइए मुझे वो गाड़ी चाहिए मुझे वो पिंक अच्छा ठीक है मैं भी बोलता हूँ टू मिलियन डॉलर आज की हमारी सबसे पहली बिट टू मिलियन डॉलर कौन इसको खरीदना चाहेगा तीन मिलियन डॉलर में वरना ये टू मिलियन में बिकने वाली है टू मिलियन डॉलर वन टू मिलियन डॉलर टू रुक जाओ मैं खरीदूंगा फाइव मिलियन डॉलर में क्या सीधा फाइव मिलियन फाइव मिलियन डॉलर फाइव मिलियन वन फाइव मिलियन टू मुझे अपनी नई नई पत्नी को कैसे भी करके ये गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी मैं खरीदूंगा टेन मिलियन डॉलर में क्या टेन मिलियन डॉलर ये तो बहुत ही खतरनाक प्राइस है टेन मिलियन डॉलर वन टेन मिलियन डॉलर टू टेन मिलियन डॉलर थ्री सोल टू फ्रेंकलैन मुझे कारी तो मैंने यहाँ पर अभी 100 मिलियन में से 10 मिलियन डॉलर्स तो तो खर्च कर दिए, तो चलो चलते अपनी अगली गाड़ी पर, जो की होने वाली है, ये बुगाटी। याद रखना ऐसी बुगाटी पानी में चलती है ना तो कौन खरीदना चाहेगा इसको टेन मिलियन डॉलर में अरे ये क्या इसकी स्टार्टिंग प्राइस टेन मिलियन है और मैं खरीदूंगा इसको ट्वेंटी मिलियन डॉलर में Wow! 20 मिलियन डॉलर्स फॉर दिस बुगाटी कौन खरीदना चाहेगा 25 मिलियन में बताइए बताइए मुझे ये बुगाटी चाहिए मैं कुछ भी कर दूंगा मैं खरीदूंगा 25 मिलियन डॉलर्स। अरे ये क्या इसने तो प्राइस बढ़ा दी मैं खरीदूंगा इसको 29 मिलियन डॉलर्स में मैंने अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया ट्वेंटी मिलियन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा 30 मिलियन डॉलर्स, 30 मिलियन डॉलर्स फॉर द बुगाटी वाओ 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 आज तक की सबसे हाईएस्ट बिड 30 मिलियन डॉलर्स, वो भी फ्रैंकलिन की तरफ से क्या ये वो गाड़ी खरीदेंगे 30 मिलियन डॉलर वन 30 मिलियन डॉलर टू थर्टी मिलियन डॉलर थ्री सोल टू फ्रैंकलिन और कैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये खतरनाक सिम्पू घाटी खरीद दी है थर्टी मिलियन डॉलर्स में चलो हमारा काम हो गया यहाँ से निकलते हैं वेकी में, रुक जा, रुक जा। अभी क्या होगा वेकी में, मुझे वो थार चाहिए मिनी थार क्या तुझे वो थार चाहिए अब बारी है इस आखिरी गाड़ी की ये खतरनाक सी मिनी थार जो कि दुनिया में सिर्फ एक है ये गाड़ी आपकी हो सकती है सिर्फ ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स में कौन खरीदना चाहेगा खरीदूंगा ट्वेंटी फाइव मिलियन में वो ट्वेंटी फाइव मिलियन अरे ये क्या बोल रहे हो ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी आता है फिफ्टीन नहीं क्या इसको कोई खरीदना चाहेगा थर्टी मिलियन में मैं खरीदूंगी थर्टी मिलियन डॉलर थर्टी मिलियन ये तो बहुत ज्यादा है क्या इसको कोई खरीदेगा उससे ज्यादा में मैं खरीदूंगा फिफ्टीन मिलियन डॉलर अपेन क्या कर रहा है? सारे पैसे इसी गाड़ी में खर्च करेगा क्या वाह फिफ्टी मिलियन डॉलर ये आज तक की दुनिया की सबसे हाईएस्ट बिड है क्या कोई खरीदना चाहेगा सिक्सटी मिलियन में है? खरीदूंगा तो सिंची में खरीदी है मुझे ये तो पर पागल हो चुका है मैंने यहाँ पर दो गाड़ी खरीदी है एक थर्टी मिलियन में और एक दस मिलियन में मतलब फोर्टी मिलियन डॉलर हमने यहाँ पर खर्च कर दिए और ये लगता है सारे के सारे पैसे खर्च करने वाला है तो कह मैंने ये सोचा तो नहीं था मैं करूंगा पर मुझे करना पड़ेगा सॉरी अंकल बाय बाय है, तो इन सबको यहाँ पर मार देंगे कौन खरीदा था, तुम्हारी ऐसे ऐसे निकल जाए जाओ यहाँ पर कोई भी हमारे अलावा गाड़ी नहीं खरीद सकता क्यूँकी सारे के सारे पैसे खर्च कर देता इसलिए मैंने यहाँ पर सबको मार दिया इसका मतलब ये गाड़ी भी हमारी होती है ले लेकिन ये गाड़ी फ्री में ले ले अरे बेकी मुझे पैसे देके खरीदी दे थी अबे क्या पैसे सारे तो सारे के सारे पैसे यहाँ पर उड़ाने वाला था चल फटाफट से ले ले ओके ओके बेकी लेके अरे भाव मुझे तो ये मिनी मिल गई चलो चलो मजा आने वाला है और गाइस और आप देख सकते हो चिन चैन को यहाँ पर मेनी थार मिल चुकी है मुझे यहाँ पर बुगाटी मिल चुकी है और यहाँ पर जिस लड़की से मेरी आज ही शादी हुई थी उसको पर मर्सिडीज जी वैगन मिल चुकी है वो पिंक कलर की तो ये तो तो बहुत ही खतरनाक था यह तो हमने यहाँ पर फोर्टी मिलियन डॉलर तो खर्च कर दिए पर अभी भी मेरे पास सिक्सटी मिलियन डॉलर बचे तो हमें उन्हें भी तो खर्च करना पड़ेगा तो फटाफट से चलते टाइम बहुत ही कम है तो गाय सर मुझे टाइम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते तो आपको कमेंट करना पड़ेगा स्लो टाइम अगर आप कमेंट करोगे स्लो, तो तो कर स्लो थोड़ा और, और अगर आपके पास कोई आइडिया हो की मैं क्या खरीदू तो वो कमेंट करके बता देना हमारे पास बहुत सारा पैसा है हम यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं तो अगर आपको भी कुछ चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना आपके घर पर भिजवा दूंगा चलो चलो मेरे पास टाइम बहुत कम है तो गाइस सर मेरा बचपन से सपना था एक फ्लाइंग मेंशन में रहने का एक घर जो कि हवा में उड़ता हो तो मुझे पता चल चुका है मैं एक एक ऐसा घर खरीद सकता बचे थे वो भी सिर्फ फिफ्टी मिलियन डॉलर में तो कैसर उन गाड़ियों में पैसा खर्च करने के बाद मेरे पास बचे थे मैं घर खरीद सकता हूँ अंकल टील डन कर दो मैं वो घर खरीदने वाला हूँ अरे सर आप टेंशन मत लीजिए वो घर तो आप कई कर रहेगा पर एक दिक्कत है क्या आप क्या दिक्कत है उस घर के आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे पर उस घर को पाने के लिए आपको एक खतरनाक चैलेंज भी करना पड़ेगा क्या चैलेंज अरे पैसे दे तो रहा हूँ कौन सा चैलेंज सर ये घर पैसों से नहीं खरीदा जा सकता पैसों के साथ एक चैलेंज भी करना पड़ता है अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट करा तो आपको वो घर मिल जाएगा अरे ये क्या बात हुई पैसे देने के बाद भी चैलेंज करना पड़ेगा मेरे पास टाइम बहुत कम है बात तो सही है उसके बाद हम हवा में रहेंगे ठीक है अंकल मुझे ये चैलेंज मंजूर है बताओ क्या चैलेंज है वो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चलो मेरे साथ तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में ये चैलेंज होने वाला है उस फ्लाइंग मेंशन के लिए अरे ये तो अरे चैलेंज की तो मेरी बात हुई थी इन दोनों को क्यों बुला लिया बच्चे ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसलिए मैं तुम्हें तीन तीन मौके देने वाला हूँ एक तुम्हारी बीवी को तुम्हें और और को तुम तीनों में से किसी एक ने भी ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें वो फ्लाइंग मेंशन दे दूंगा अब मैं बताता हूँ फिनिशिंग लाइन की तरफ बीच में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल इन सब को क्रॉस करते करते तुम्हें पहुंचना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर अगर तुम्हें चाहिए वो फ्लाइंग मैं तुम्हारा वेट करूंगा फ्लाइंग की चाबी

चैन क्या करने वाले क्या श्री चैन पहली बार में फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाएगा आपको क्या लगता है फटाफट फड़ से कमेंट करके बता दो मैं तो पहुंच ही जाऊँगा आप टेंशन मत लो। मतलब

अगर तुझे सबसे बड़ा रूम चाहिए तो तुझे चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा

सपोर्ट कर रहे हो मैंने फेंकी मैं मुझे पता है सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं ही जीतूंगा अबे सिंचन तंग से चला ले अरे 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 फेंकी भाई ये क्या हो गया अरे सिंचन

ड्राइवर तो अभी फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते और इस पुरे के पुरे को करते हैं क्योंकि हमें वो कैसे भी करके में तो तो करके तो निकल लेते हैं और इस पूरे के पूरे चैलेंज को कंप्लीट करते जल्दी से जल्दी तो कहे सर शिव यहाँ से नीचे गिर गया था पर हमें इस तरफ जाना है पता नहीं देखा भी नहीं उस तरफ जाकर गिर गया पर अभी हम फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं तो कहे सर अभी मैंने

लेन भी ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया तुम क्या कर पाओगी अंकल देखना मैं ही ये चैलेंज जीतूंगी अरे कायसर ये क्या हो गया शिनचैन भी ये नहीं कर पाया और मैं भी नहीं कर पाया अब बारी आ चुकी है पिंकी की देखते हैं क्या ये चैलेंज जीत पाएगी मैं तो ये चैलेंज जीत कर रहूंगी अच्छा वो लग पाते मुझे तो बाइक पे चलाना नहीं आती अरे पीछे अरे काइजर मुझे लगता है अब ये चैलेंज हारने वाले क्योंकि काइजर पिंकी को तो बाइक भी चलाना नहीं आती और ये खतरनाक सा चैलेंज करने निकल चुकी है आपको क्या लगता है क्या ये पिंकी चैलेंज जीत पाएगी फटाफट -फड़ से कमेंट करके बता दो तुम टेंशन मत करो फ्रैंकलिन मैं ये चैलेंज जीत कर सिर्फ तुम्हारे लिए क्या सही में तो काइजर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो तो, गुड लक पिंकी क्योंकि काइजर हम सब सब तो हार गए पर पिंकी यहाँ पर जाती जा रही है अरे ये क्या हेलीकॉप्टर मुझे हेलीकॉप्टर और इस चैलेंज को ऐसे ही जीत जाऊंगी और एक गाइस और पिंकी तो बहुत खतरनाक है इसने तो बाइक में ये खतरनाक सा जंप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ये क्या इसने तो फिर से गाड़ी चेंज नहीं करी मुझे कोई भी गाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है मैं ये चैलेंज जीत कर रहूंगी हट जाओ अच्छा सबके साथ अरे ये क्या चल रहा है ये पिंकी तो बहुत खतरनाक है ये ये मैं आ गई। अरे तो वही जगह जहाँ से मैं नीचे गिरा था। और ये पिंकी तो ऑलरेडी इधर आ चुकी है और ये गिरी भी नहीं अब अब बारी आ चुकी है बोर्ड की और आधा चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सिर्फ फिफ्टी चैलेंज और करना है और उसके बाद वो फ्लाइंग मैं हमारा होने वाला है Franklin. अरे पिंकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जल्दी जल्दी जाओ और ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दो क्लोज पहुंचती जा रही है और ये क्या ये तो प्लेस तक भी पहुंच चुके है ये तो बोर्ड भी बहुत ही अच्छे चलाती है पिंकी अब सिर्फ 20% चैलेंज बाकी है अगर तुमने ये कर दिया तो सबसे बड़ा रूम तुम्हारा होने वाला है और हमें वो घर भी मिल जाएगा अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें आज हमारी शादी का गिफ्ट दे रहूंगी हाँ चलो चलो मजा आने वाला है और गए ये प्लेन यहाँ पर निकल चुका है फुल स्पीड में देखते हैं क्या पिंकी उड़ा पाएगी इस प्लेन को फिनिशिंग लाइन तक क्योंकि गाइजर इसके बाद सिर्फ एक बार और गाड़ी चेंज करनी है उसके बाद सीधा फिनिशिंग लाइन आने वाली है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छा

और यहाँ पर जंप भी लग चुका है क्या ये लैंड कर पाएगी फिनिशिंग लाइन पर किसको पता किसको पता किसको पता और ये बहुत ही बढ़िया लैंडिंग यहाँ पर हो गई ये, मैंने तो बोला था ना मैं तुम्हारे तो लिए और कई देश के साथ जिससे आज मेरी शादी हुई थी वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा गुड लक निकली क्योंकि कहीं मैं और चेंज तो नहीं कर पाए पर पिंकी ने ये चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और वो खतरनाक फ्लाइंग मैं हम जीत चुके हैं फ्रेंकलिन तुम्हारी बीवी ने तो कर दिखाया ये लो फ्लाइंग मैं चौबीस सर, आप सबका स्वागत है हमारे इस खतरनाक से फ्लाइंग मेंशन में मैंने आपको बोला था कि हम फ्लाइंग मेंशन खरीद कर और ये फ्लाइंग मेंशन मेंशन और ये हमारा हो चुका है ये कैसा मेंशन है जो कि हवा में उड़ रहा है इन खतरनाक पंखों की वजह से और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ पिंकी की वजह से चुके थे पर पिंकी ने वो चैलेंज कम्प्लीट करके हमें ये पूरा का पूरा घर दिखा दिया तो गाइस सर बिना किसी देरी के आपको पूरा का पूरा घर दिखाता ये कितना ज्यादा खतरनाक है सबसे पहले यहाँ पर छोटा स्विमिंग पूल है जिधर ये, ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है और इस साइड फिर बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ से लॉस सेंटोस का व्यू कितना ज्यादा बढ़िया आता है आप देख ही सकते हो यहाँ से नीचे देखने में कितना डर लगता है और कह सर यहाँ पर कसिनो के थोड़े गेम स्विम्स है पर थोड़े गेमिंग शेमिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर बैठ देख यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं टीवी यहाँ पर चिल कर सकते हैं खतरनाक सी बाइक भी हमें यहाँ पर मिली है उड़ने वाली बाइक बाइकॉप्टर एक और बाइक ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर हमें खुद का प्राइवेट जिम भी है यहाँ पर सारी जिम की चीजें टेबल टेनिस पढ़ी है अब चलते अपने घर के अंदर तो कैसा मैनेज घर के ऊपर खर्च के फिफ्टी मिलियन डॉलर यहाँ पर एक और बड़ी सी टीवी बड़ा सा सोफा इधर हर जगह सोफा टीवी सोफा टीवी बार सोफा बार टीवी बार सोफा बार टीवी और यहाँ पर बढ़िया सा किचन है यहाँ पर बाथरूम

हमें टेन मिलियन डॉलर से क्या क्या खरीदना चाहिए तो आज अच्छी बड़ी से है अगर आपको अच्छी तो लाइक कर देना चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और कैसे और मोटिस डिस्क्रिप्शन में वापस जाना फॉलो करना और कैसे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय